हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के धारावी और महाराष्ट्र से बाड़मेर जिले में बहुत लोगों ने घर वापसी की है। बाड़मेर में प्रवासियों के लगातार आने से जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद गहलोत सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बाड़मेर में कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। अब तक 70 में 90% मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की मिली है। वहीं अब तक महाराष्ट्र से 12,000 लोग बाड़मेर जिले में घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के 11 जिलों में IAS प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीते दिनों बाड़मेर प्रभारी IAS ओम प्रकाश ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मुंबई से आए प्रवासियों का COVID-19 टेस्ट होगा। आज हमारे एक साथ 14 पॉजिटिव आए हैं और ये भी हमारे कल्याणपुर क्षेत्र के हैं और सारे माइग्रेंट्स हैं और अभी कुल मिलाकर 70 हो गए अपने पॉजिटिव मरीज। हम तो रैंडम क्या जो भी मुंबई से अहमदाबाद या गुजरात ऐसे जो भी रेड जोन जिसको अपन हाई रिस्क एरिया कहते हैं, लगभग कोशिश करते हैं कि हर गांव में जाकर उनकी सैंपलिंग ले रहे हैं। और यूँ देखा जाए तो पिछले 10 दिन में हमने लगभग 2,000 सैंपलिंग ली है, तो ये सारे माइग्रेंट्स की। और जो केस आए हैं उसमें से भी 66 जो माइग्रेंट ही है। दरअसल पिछले 15 दिनों में उन जिलों में COVID-19 के केस सामने आए हैं जहां पर 15 दिन पहले इक्का दुक्का केस नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक प्रवासियों के आने से एकाएक कोरोना मामले में बढ़ोतरी हो गई है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।